हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षदीप्स किचन। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। तो चलिए फिर हम रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अभी ना यहाँ पे गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजर लिया है और गाजर को मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अभी हम YouTube पे बहुत सारे तरीके देखते हैं, कुकर में सीधा पका लिया या फिर टुकड़े करके दूध में बॉईल कर लिया, तो वैसा वो उतना अच्छा लगता होगा, पर सही तरीका तो यही है ना उसका। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे और इसके जैसे रेशे रेशे है ना, वो ऐसे बॉईल करने के बाद या फिर कुकर में पकाने के बाद नहीं होते, तो ऐसे ही हम इसे कद्दूकस करके ही बनाएंगे। और हमें चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, हरी इलायची, 1 कटोरी शक्कर और 2 चम्मच घी ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बड़ी सी कढ़ाई रख दी है गैस पे, उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच घी। अब यहाँ पर ना हम हलवा बनाने के लिए बस घी का ही इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घी से ना उसका टेस्ट एकदम बढ़िया लगता है। तो अभी यहाँ पे हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका था, तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके लिए हैं, काजू, बादाम और पिस्ता, उसे ना पहले हम घी में गोल्डन कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, खुशबू आने तक, और फिर एक छोटी सी प्लेट में इसे हम निकाल लेंगे। तो हमने ना घी में से ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए पूरे और उसमें डाल दी हरी इलायची। तो घी गर्म था तो हरी इलायची जल्दी से फ्राई हो गई और उसमें हमने डाल दिया कद्दूकस किया हुआ गाजर। तो यहाँ पर अभी हमने सारा का सारा गाजर इसमें डाल दिया है। अभी ये इतना ज़्यादा दिख रहा है ना, बाद में एकदम इसका 1/4 हलवा बन के तैयार हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर अभी हमने कढ़ाई में ना सारा का सारा गाजर डाल दिया है। अभी इसे अच्छी तरीके से हम घी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना घी के साथ मिलाते वक्त, एकदम बढ़िया सा इलायची का फ्लेवर और घी का फ्लेवर, एकदम मस्त खुशबू आ रही है। अभी आप देख सकते हो इसका कलर रेड से ऑरेंज हो रहा है। तो ये कोई नहीं, बाद में जब हमारा हलवा बनके तैयार हो जाता है ना, तब एकदम रेड कलर हो जाता है फिर से हमारे हलवे का। अभी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और गैस को हमें फुली फ्लेम में रखना है। अच्छी तरीके से इसको अभी पानी छूटेगा, तो इसका पूरा पानी हमें ख़त्म कर लेना है और एकदम आधी क्वांटिटी का होने तक इसे भून लेना है। तो अभी हमने ना गाजर को अच्छे से पका लिया, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, गाजर की क्वांटिटी अभी आधी हो चुकी है। तो हम उसमें डाल देंगे 1 गिलास भर के दूध। अभी 1 गिलास मतलब 250 ml दूध हमने इसमें ऐड कर दिया है। अभी अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम ना हमें फुल ही रखनी है। तो अभी अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अभी 5 मिनट के लिए ना हमने इसे फुल फ्लेम पे अच्छे से हिलाते हुए भुन लिया है। अभी हम इसके ऊपर ना 2-3 मिनट के लिए ढक्कन रख देंगे और गैस की फ्लेम हम फुल ही रहने देंगे। अच्छी तरीके से उसका पानी हमको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है। तो अभी हम ना इसके ऊपर का ढक्कन निकाल कर एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका पानी तो थोड़ा सा कम हो चुका है, फिर भी और बाकी है। तो इसी तरीके से अभी हिलाते वक्त हमें इसे और भुन लेना है। अच्छी तरीके से पूरा पानी इसका ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पानी एकदम से कम हो चुका है। अभी हमने इसमें डालना है चीनी। तो यहाँ पर मैंने चीनी भी 250 ग्राम ली है। दूध और चीनी हमने सेम लिया है 1 किलो के लिए। तो अभी हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी गाजर का पूरा पानी हमने सुखा लिया था ना, अभी चीनी डालने के बाद उसको और पानी छूटेगा, तो अभी फिर से हमें इसे फुल फ्लेम पे और भून लेना होगा। गाजर का हलवा बनाने में ना यही दिक्कत होती है कि इसको थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है गाजर को भूनते भूनते। नहीं तो ये एकदम आसान रेसिपी है, बस 3-4 चीज़ें डालने से ही हो जाता है, बस इसको ज़्यादा देर भूनना पड़ता है। तो अभी इसी तरीके से इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते हुए हम अच्छी तरीके से फुल फ्लेम पे ही रखेंगे, अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है हमारा गाजर का हलवा, एकदम मस्त इसका कलर फिर से वापस आ चुका है ना। हमें इसमें कलर डालने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ डालने की ज़रूरत पड़ी, अच्छी तरीके से उसका कलर फिर से रेड हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। थोड़े से हम इसमें डाल के मिक्स कर देंगे और थोड़े से बाद में गार्निशिंग के लिए बचा के रखेंगे। तो
तो अभी हमने जो ड्राई फ्रूट डाले हैं ना, उसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देख सकते हो आप, अभी गाजर हमने लिया था तब कितना सारा था, और अभी उसका हलवा बन चुका है तो वो कितना सा हो चुका है। तो अभी इसमें ना 6-7 लोग आराम से हलवा खा सकते हैं 1 किलो के इसमें। अभी हमारा हलवा अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, तो हम इसे अभी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमारा हलवा कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम होटल के जैसा। इसका कलर भी एकदम बढ़िया आ गया है और खुशबू तो एकदम ही मस्त आ रही है। तो अगर आपको आज के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।